देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया, मैं हूं साथी। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचारों पर। भारतीय जनता पार्टी के बदलापुर विधानसभा के विधायक रमेश चंद्र मिश्र के नेतृत्व में 15 दिनों से चल रही पदयात्रा का समापन कार्यक्रम लोनिया पट्टी गांव के प्राइमरी स्कूल पर किया गया, जहां काफी संख्या में ग्राम पंचायत के लोग तथा बुजुर्ग महिलाएं मौजूद रही, जहां पर केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई व जानकारी देते हुए पात्र व्यक्तियों से मुलाकात की गई। इस मौके पर अजीत प्रजापति मंडल अध्यक्ष, नरेंद्र उपाध्यक्ष, खुटान बेचन पांडे चेयरमैन, गीता जायसवाल, अमरनाथ मिश्र भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रेमचंद्र तिवारी, गिरीश चंद्र मौर्य समेत भारी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद व उत्साहित रहे। खुटान से हमारे संवाददाता अमित कुमार पांडे की ये रिपोर्ट। मेरे ब्लॉक में माननीय विधायक जी का प्रोग्राम है और जो पद यात्रा निकाली गई थी समापन में, आइए हम विधायक जी से आपकी मुलाकात कराते हैं। रमेश चंद्र मिश्रा, मैं बदलापुर का विधायक हूँ। जैसा कि हमारा कमल संदेश पद यात्रा चल रहा था और 14 तारीख के बाद आज 14 तारीख को हमारा पद यात्रा समापन हुआ था। आज उसका पूर्ण रूप से हम लोग 15 तारीख को हर जगह जो है समापन समारोह किए हुए हैं। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था कि हमारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन जन कल्याणकारी योजनाओं को लाभार्थियों को सही सही लाभ मिला है कि नहीं, उसकी जांच के लिए, और जो लाभार्थी छूट गए हैं, जिनको सुविधाएं नहीं मिली हैं, उनको चिन्हित करने के लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता गांव में जा जाकर डोर टू डोर सारे लाभार्थियों से मिला, और ऐसे लाभार्थी जो छूट गए हैं उनसे भी मिला। और हमारा ये संकल्प है कि जो भी लाभार्थी जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, चाहे वो सौभाग्य योजना के तहत हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना के तहत हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास के तहत हो, चाहे उसके अलावा आयुष्मान भारत जो 5 लाख रुपए का गरीबों को जो है मेडिकल के लिए जो है इंश्योरेंस होता है उसके लिए हो, सारी योजनाओं को गरीबों तक पहुंचाने का और जहां नहीं पहुंचा है उनको चिन्हित करने का। और कई जगह जैसे शिकायतें मिलती हैं कि आवास में लोगों ने गरीब को नहीं अमीर को दे दिया या कहीं पर कुछ न कुछ शुल्क लिया, इन सब की जांच हमारे एक एक कार्यकर्ताओं ने कर करके ये जो है इसका एक पूरा फिगर तैयार किया है। और भारतीय जनता पार्टी को 2019 में पुनः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैसे बनाया जाए उसके लिए हम लोगों ने कमर कस लिया है और एक एक गांव में जा करके हम उन लाभार्थियों के दम पर जो हमने गैस चूल्हा बांटा, जो हमने काम किया, विकास का जो काम किया, उस विकास के दम पर 2019 में पुनः हम लोग नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में भारत का प्रधानमंत्री बनाए। माननीय मिश्रा जी, शहाबगंज में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत स्थानीय पशु चिकित्सालय परिसर में हुए शादी समारोह में 13 जोड़े एक दूजे के हुए। विधिवत ब्राह्मणों के मंत्रोच्चार तथा शहनाई के सुरों के बीच 10 हिंदू तथा 3 मुस्लिम जोड़े मुस्लिमों का मौलवी ने कराया निकाह। इस दौरान खंड विकास अधिकारी धर्मजीत सिंह तथा जिला समाज कल्याण अधिकारी आर के सिंह ने नए जोड़ों को आशीर्वाद देते हुए विवाह प्रमाण पत्र सौंपा। इस अवसर पर मुख्य रूप से एडीओ समाज कल्याण उपेंद्र पांडे, एडीओ समाज कल्याण अखिलेश तिवारी, अनिल सिंह, राजकुमार रामदुरार, नुरुल होदा, मुनिराज, योगेश, गौतम आदि उपस्थित रहे। शाहगंज से हमारे संवाददाता शाकिर अंसारी की रिपोर्ट। ये कहाँ के रहने वाले हैं? लेहरा। ये आपकी लड़की की शादी हो रही है कि लड़के की शादी हो रही है? लड़की का। क्या नाम है लड़की का? पूनम। पूनम। अच्छा, ये बताइए कि ये शादी में कुछ मिल रहा है आप लोगों को कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। क्या मिल रहा है? रोटी मिला ना, बोलने के पान मिला ना, मोबाइल मिला। अच्छा, खाना पीना मिला कि नहीं मिला? मिला ना। खाना पीना मिला। आप इस शादी से संतुष्ट हैं? हाँ। और लड़के वाले को आपने पहले से पता के रखा था, बात बात करके रखा था, या एक बाइक बुलाया आपने यहाँ पे? पहले से बात करके रखा था। अच्छा, ये शादी जो हमारे मुख्यमंत्री जी करा रहे हैं, ये अच्छा है कि खराब है? अच्छा। मैनपुरी के करहर विधानसभा क्षेत्र में पिछले 15 दिनों से पदयात्रा कार्यक्रम की गांव गांव नगर नगर में धूम मची रही, जिसका करहर विधानसभा क्षेत्र में धूमधाम के साथ समापन हुआ। समापन समारोह का शुभारंभ अतिथिगणों ने श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया एवं उनके चित्र पर फूल मालाएं अर्पित की। इस दौरान भाजपा के मुख्य अतिथि वृक्ष प्रदेश
महामंत्री हेमंत शर्मा, जिलाध्यक्ष आलोक गुप्ता, भाजपा प्रदेश परिषद के सदस्य रमाकांत दुबे, पदयात्रा संयोजक अनिल तिवारी आदि तमाम भाजपा नेताओं ने समापन समारोह में संबोधित कर कार्यकर्ताओं को आगामी लोकसभा चुनाव की जीत का मंत्र पढ़ाया। मैनपुरी से हमारे संवाददाता रामकिशोर वर्मा की ये रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी की जो 15 दिवसीय जो पदयात्रा थी, उसका मेन जो उद्देश्य था वो मोदी जी को पुनः 2019 में प्रधानमंत्री बनाने के लिए कार्यकर्ताओं ने जोर शोर से पूरी विधानसभा में रैली की जो पदयात्रा थी उसका उद्देश्य केवल मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री 2019 में बनाने के लिए पदयात्रा थी। एक गांधी जयंती के 150वीं स्मृति में 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक जो पदयात्रा का कार्यक्रम रखा गया करैल विधानसभा में, उसमें भारत सरकार से लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की जनहितकारी योजना उज्ज्वला गैस है, लैटिन है, कॉलोनी है, उनके संबंध में जन चर्चाएं पहुंचाई गई और उद्देश्य जो है उत्तर प्रदेश से लेकर भारत सरकार तक का एक ही है कि आम आदमी तक हमारी सुविधाएं पहुंचे, सबका साथ सबका विकास, जिससे कि आगामी आने वाले लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जनपद मैनपुरी की सरजमी पर विजय पताका हासिल करें। जिस तरह से भी ये विधानसभा चुनाव में भाजपा को ग्राफ गिरा है, इसको लेकर के आगे लोकसभा चुनाव में क्या स्थिति रहेगी? भारतीय जनता पार्टी का कोई ग्राफ नहीं गिरा। भारतीय जनता पार्टी को जितना पहले वोट मिला था उससे ज्यादा मिला है। केवल अंतर इतना सा आया है कि मध्य प्रदेश के अंदर पिछले 15 वर्ष से हम लोग सरकार में थे, छत्तीसगढ़ में पिछले 15 वर्ष से हम सरकार में थे, और जैसा कि राजस्थान का टेस्ट रहता है, एक बार सरकार बनती है फिर बदल देती है, उसके बावजूद भी हमारी 15 से 20 सीटें केवल इसलिए लूज हुई वहां पर, जो कोई 2 से हारी हैं, कोई 10 से हारी हैं, कोई 100 से हारी हैं। 15 वर्ष बाद अगर जनता ने कोई परिवर्तन की सोची है लोकतंत्र का, कहीं हम लोग हारे नहीं है। ये थे के समाचार, जानेंगे आगे के समाचार छोटे से ब्रेक के बाद। के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, आइए नजर डालते हैं आगे के प्रमुख समाचारों पर। नगर पालिका परिषद गदरपुर वार्ड नंबर 4 के सभासद अमरजीत सिंह से उत्तराखंड से हमारे संवाददाता शाहनूर अली की खास बातचीत। वार्ड नंबर 4 से सभासद अमरजीत भाई आप पुनः बने हैं, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ जो कार्य आपने पीछे छूट गए थे और आपने इस बार पब्लिक में जाके वादा किया है, तो उन कार्यों को आप किस प्रकार पूर्ण कराएंगे? सबसे पहले तो मैं अपने वार्डवासियों को धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे अपना कीमती वोट देकर दोबारा इस पद पर बिठाया, नगर पालिका की जिम्मेदारी सौंपी, सपा सब बनाया, और जो वार्ड के काम शेष रह गए हैं उनकी पेमेंट करवा दी गई है, एस्टीमेट तैयार हो रहे हैं, जल्द ही टेंडर प्रक्रिया करवा के काम शुरू कराया जाए। धन्यवाद। प्रयागराज के थाना घोरपुर क्षेत्र के हर चौराहे पर पुलिस द्वारा हो रही अवैध वसूली की खबर चलाने पर पत्रकार विनय विश्वकर्मा को थाने से मिल रही है धमकी। खबर एसओ घोरपुर के खिलाफ थी। प्रयागराज पुलिस कप्तान नितिन तिवारी के सख्त होने के बावजूद भी पुलिस सुधरने का नाम ही नहीं ले रही है। प्रयागराज से हमारे संवाददाता प्रदीप मिश्रा की ये रिपोर्ट। बालू जो है लग के जाती है, जबरदस्ती वसूली करते हैं, हमने वीडियो बनाया, कई जगह के वीडियो बनाए हैं, तो उन्होंने उनको पता चला कि वीडियो बनाया तो हम पर धमकी आ रही है कि बार बार धमकी दी जा रही है कि तुम्हारे पास ऐसा केस ला देंगे। धमकी दे रहे हैं? धमकी कौन दे रहा है? धमकी दे रहे हैं एसएसआई है और क्या क्या नाम है, अरविंद सिंह और एसओ है विजय सिंह। तो लोग ये कह रहे हैं कि तुम वीडियो डिलीट कर दो, ऐसी खबर मत चलाओ, नहीं तुमको जेल भेज दिया जाएगा, तुम्हारे पास इतनी धारा लगा देंगे तुम बचने का कोई चांस नहीं है। उसमें कौन सी ये धारा मुकदमा आपके ऊपर लिखा था, किस बिने किया था मुकदमा? अभी हमें मालूम नहीं है क्या, बार बार हमको धमकी दिया, भद्दी भद्दी गाली देते हैं, कहते हैं तुम खबर चलाए, हमारा कुछ नहीं हुआ, हम तो यहीं पे हैं, तुम जितना खबर चलाना हो चला लो, हमारा कुछ नहीं हो सकता है, और एसएसपी के हम करीबी हैं, अब कोई कुछ कर नहीं पाएगा हमारा। अपना पर्चा विनय कुमार विश्वकर्मा जमुनापुर से। हम लोग सारे अधिवक्ता मिलकर हमारे जमुना पार्क के
पत्रकार महोदय श्री विनय विश्वकर्मा जी के ऊपर जो फर्जी मुकदमे का लादने के लिए घोरपुर इंस्पेक्टर ब्रजेश सिंह ने धमकी दिया है, उसके खिलाफ हम लोग घोर निंदा करते हैं। मैं देख रहा हूं जमुना पार में इस समय इतना भयंकर लोडिंग का काम चल रहा है, इतना अवैध बालू खनन का काम चल रहा है, आप समझ लीजिए कि पूरे क्षेत्र के लोग पहली चीज़ तो जाम से समस्या, आए दिन जाम से लोग समस्या जूझ रहे हैं, दूसरी चीज़ घूरपुर से 200 मीटर की दूरी पे सारी अवैध वसूली का कार्यभार चल रहा है। इंस्पेक्टर महोदय प्राइवेट आदमियों को रख के इस वसूली का अवैध काम करते हैं, इसकी घोर निंदा जब हमारे पत्रकार श्री विनय विश्वकर्मा जी ने किया, अपने चैनल में पत्रकारों द्वारा दिखाया गया, तो उनको इतना भयंकर रूप से इंस्पेक्टर द्वारा धमकी दी जा रही है कि तत्काल इसको वीडियो को डिलीट कर दो, नहीं तो मैं इतने फर्जी मुकदमे ला दूंगा कि तुम्हारा बचना मुश्किल हो जाएगा। किस चीज़ का वीडियो है वो? ये अवैध वसूली का वीडियो है, और अवैध वसूली होते हुए सारी वीडियो पत्रकार महोदय विनय जी के पास सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें पत्रकार क्या पूरे समाज में पूरे जनता के बीच ये रख सकते हैं। आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, एसएसपी महोदय नहीं थे, उनके चार्ज पे एक महोदय थे, उन लोगों को हमने ज्ञापन दे के सारी अधिवक्ता लोग इस चीज़ की घोर निंदा करते हैं इंस्पेक्टर साहब, और मैं एसएसपी चाहते हैं तो उन्होंने उनको पता चला कि वीडियो बनाए तो हम पर धमकी आ रही है कि बार बार धमकी दी जा रही है कि तुम्हारे पास ऐसा केस ला कौन धमकी दे रहा है? धमकी कौन दे रहा है? धमकी दे रहे हैं एसएसआई है और क्या नाम है? अरविंद सिंह और एसओ है ब्रजेश सिंह जी। तो लोग क्या कह रहे हैं कि तुम वीडियो डिलीट कर दो, ऐसी खबर मत चलाओ, नहीं तुमको जेल भेज दिया जाएगा, तुम्हारे पास इतनी धारा लगा देंगे तुम बचने का कोई चांस नहीं है। उसमें कौन सी ये धारा मुकदमा आपके ऊपर लिखा, तो किस बिने पे लिखा है? मुकदमा अभी हमें मालूम नहीं है, क्या बार बार हमको धमकी दिया है, भद्दी भद्दी गाली देते हैं, कहते हैं तुम खबर चलाए, हमारा कुछ नहीं हुआ, हम तो यहीं पे हैं। तुम जितना वो लोडिंग करके जाता है तो उसे 500 से लेकर 3000 तक रुपये तक की वसूली की जा रही है। इंस्पेक्टर द्वारा लगातार अपने मातहत अफसरों को, अरविंद सिंह को और सिपाहियों को चौराहे पर लगा दिया जाता है, लगातार वसूली हो रही है। इसकी हमने कई बार, ये देखिए हमने अभी 3/12 को हमने डीएम साहब को ये एप्लीकेशन दिया था, 11 को हमने दिया था एप्लीकेशन कि इसकी सख्त कार्रवाई करें, ओवरलोडिंग पे सख्ती से रोक लगाएं, लेकिन अवैध वसूली नहीं होनी चाहिए। हमारे यहाँ कल नैनी चौराहे के बगल में एक हमारे युवा साथी की जो है डेथ हो गई एक्सीडेंट से, ओवरलोडिंग वो ट्रक थी, ट्रक पकड़ी गई है और उस पर कम से कम 40 टन लदा हुआ है। समाचार आई कुछ खास खबरों के लिए देखते रहिए फर्स्ट न्यूज़ इंडिया। धन्यवाद।